वो देख ठीक लगते हैं। ठीक लगते हैं। हाँ? अच्छा अब बिहार में कौन अच्छा लगता है मोदी जी के अलावे? नीतीश बाबू। नीतीश तेजस्वी जी नहीं तेजस्वी जी तेजस्वी जी ठीक ठाक से बोल लेते हैं। अच्छा धीरे से बोल रहे हैं। अच्छा तो नीतीश कुमार का नाम दिया फिर? इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल काम है। अच्छा आपको करते क्या है? हम लोग बेरोजगार हैं। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। नौकरी के लिए हम लोग भटक रहे हैं, बाकी अभी तक हम लोग को मिला नहीं। ओ, सफेद कपड़ा। महंगाई इतना न बढ़ गया है कि हम लोग को खाना का भी मुश्किल हो गया। क्या देगा नौकरी अब जो जिसका वोट? किससे आपको उम्मीद है? उम्मीद तो नरेंद्र मोदी जी का है, अभी देखिए क्या करते हैं। चाचा चाचा हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा क्लास में? कॉलेज टीवाई। सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। ठीक है सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है। एजुकेशन बराबर नहीं है। बात तो सही है। बढ़िया एजुकेशन नहीं है। हाँ बढ़िया एजुकेशन नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है अभी? आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है, सरकार है, दूसरा कौन है? खाओ माँ कसम। सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको अभी 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 कुछ बोलना नहीं चाहते। अभी रुको अभी 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 कुछ बोलना नहीं चाहते। यहाँ आप बीजेपी के समर्थन में आई हैं? हाँ। अच्छा अच्छा बीजेपी में आपको कौन पसंद है? हैं? बीजेपी में कौन पसंद है? देंगे तो हम लोग बहुत झाड़ू है छाप को। आए? हाँ शुरू से एत तक उसी को दिए हैं, उसी को देंगे। लेकिन फिर बीजेपी का झंडा क्यों लिया है? ये तो पकड़ा दिया तो आपका सामने में और थोड़े हो जाएंगे। बात तो सही है। अच्छा अच्छा एक एक और बात बता दीजिए तो ये झंडा कौन पकड़ाने आता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी इतना बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ। बड़ा खुश हो रहे हो? खैर आजकल तो चलता है। पीछे देखो पीछे। बीजेपी। उम्र क्या है तुम्हारी? 19। वोट पहली बार वोट दोगे या दिया है? पहली बार। क्या अच्छा लगता है बीजेपी? बीजेपी में सबको उनकी सरकार अच्छी लगती है। मोदी जी ने सबको जितना किया, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। बात तो सही है। और बाकी सी बाकी सारी चीजों में सुधार आया। कितने पढ़े हो? मैं 11th कर रहा हूँ। 11th में हो? तो 11th में हो ना, 19 साल का 11th में बच्चे। मैंने थोड़ा लेट फॉर्म दिया। मगर क्यों लेट फॉर्म? मैं एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी उस कारण। अच्छा देश का 19 साल का नौजवान राम मंदिर के नाम पे वोट देगा? देगा क्यों नहीं देगा। राम मंदिर और भी सारी चीजें उनने और भी सारी चीजों में सुधार आया। जैसे 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 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और भी सारी चीजें बताओ बाबू। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। बहुत सारी चीजें। चलो तीन बताओ। तीन बताओ। राम मंदिर में आया उनके राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अरे और भी सारी चीजों में आया सुधार। ये फंस गया। और भी सारी चीजें बाकी वो याद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो पता है ना। तुम्हें तो इतनी सारी चीजें पता है, हम कह रहे तीन बताओ। बहुत सारी चीजें पता है मेरे को तो। भाई तू 19 साल के देश के युवा हो, पहली बार वोट डालने जा रहे हो और तुमको मुद्दे नहीं पता। गजब बेइज्जती है। पता है मेरे को। मैं नहीं बताऊंगा। तो बाकी याद नहीं है अभी। अबे साले तीन तो बताओ। चलो दो बताओ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तीन तो बताओ। चलो दो बता दो। भाई साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, हमारे भारत को अखंड भारत बनाना चाहिए। अखंड भारत मतलब जैसे क्या? भाई जय श्री राम के नारे लगने चाहिए बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पांच फायदे बताइए हिंदू राष्ट्र। पांच फायदे की नहीं पता, बस मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए पूरे देश में। मगर क्यों?
मुझे ठंड लग रही है, मुझे मालूम है जैकेट पहनने से गर्मी लगती है, इस जैकेट में रोआ होता गर्माहट मिलती है, मैं इसलिए पहनूंगा। मुझे सिंधु राज चाहिए सुकून के लिए, तो मेरे पास उसका एक मतलब होगा ना कि ये बन जाएगा तो ये फायदे होंगे। बात तो सही है लेकिन चाहिए क्यों? मेरे को पाकिस्तान अफगानिस्तान जितना है सब सारे अखंड भारत में आने चाहिए, मेरे को बस हिंदू राष्ट्र बनाने से मतलब है। ये फंस गया सी है। क्या फायदा होगा भाई, अभी क्या दिक्कत है? फायदा कल बूझ का बता दूंगा, फायदा ना बता शाबाश। फायदा कल बूझ का बता दूंगा, फायदा ना बता दे साले। हाँ नोट कर लेंगे, अभी तो पेपर दे जाए, सारी बुद्धि पेपर में लगा दी। देखो देखो क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या होगा इस बार? दिल्ली में चमत्कार होगा भैया, देख लो झाड़ू वाला छा गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो कह रहे मोदी आ रहे हैं, मोदी अभी गाली बक रहा है, बहुत खराब हो रहा तू भाई, ध्यान रखना ना। हाँ Once more! दिल्ली में चमत्कार होएगा भैया। क्या चमत्कार? देख लो झाड़ू वाला छा गया। वो कह रहे मोदी आ रहे हैं, मोदी अभी गाली बक रहा है, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तू भाई, ध्यान रखना ना। हाँ टकाटक हर महीने पहली तारीख कटाकट फटाफट। तो वो कहते टकाटक टकाटक ठकाटक ठकाटक और टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। खटाखट खटाखट, दीदी के खाते में 1,00,000 रुपया जाए खटाखट 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 फटाफट फटाफट फटाफट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओ सफेद कपड़ा। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको फुल मजा आया होगा। अब इस वीडियो को इन भाई साहब की शायरी से खत्म करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है भावुक होते हुए कि मेरी माँ ने शायद मुझे पैदा किया। ये कितना हास्यास्पद है कि आप जो है फर्जी आंसू छलकाना पड़, ये गंदी बात, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल ना कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल ना कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल ना कर, वोट के नाम पर नोट के नाम पर खूब सियासत कर, पर माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल ना। दायरे में सिमट के आया है हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो बब्बर शेर वापस पलट के आया है। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है।